नमस्कार साथियों, बहुत सारे सवालों में से एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है कि जब हम लव मैरिज कर लेंगे तो फिर नाम कैसे चेंज करवाएं, नाम चेंज करवाने की क्या विधि है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि यदि आप शादी कर लेते हैं उसके बाद से टाइटल चेंज करवाना, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के नाम के बाद में गुप्ता लगता है, किसी के नाम के बाद तिवारी लगता है, मान लीजिए गुप्ता और तिवारी जी में शादी हो गई और उसको चेंज करवाना हो तो वो भी चेंज करवाना पड़ता है, उसका भी एक मेथड है। कई बार नाम के बीच में कुमार लगता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, मेरा नाम सुभाष कुमार सिंह हो और बाद में मुझे जा करके करना हो सुभाष सिंह, तो मुझे भी अपना नाम चेंज करवाना पड़ेगा। तो लीगली नाम चेंज करवाने का क्या तरीका है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप आफ्टर मैरिज अगर पासपोर्ट बनवाना हो, वीज़ा बनवाना हो, तो भी आपका नाम चेंज करवाना बहुत आवश्यक होता है। आप नाम चेंज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। साथियों, नाम चेंज करवाने के लिए दो अखबार जो अलग अलग भाषा में हो सकते हैं या कोई एक अखबार भी एक भाषा में भी हो, उसमें आपको ऐड देना होता है नाम चेंज का। और उसमें जब आप ऐड देंगे तो आप बताएंगे, जैसे मेरे नाम को लेकर देखिए कि सुभाष कुमार सिंह, जो कि मेरा ये पहले नाम था, अब यह बदल गया है और नाम हो गया है सुभाष सिंह, आज से कृपया मुझे सुभाष सिंह ही समझा जाए। इस तरीके से नाम चेंज का एक ऐड फॉर्मेट होता है जो हम प्रिंट करते हैं, उसको प्रिंट करने के बाद से उसकी कटिंग रखते हैं और जहां भी हमें नाम चेंज से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट लगवाना हो या जहां चेंज करवाना हो वहां पे इस पेपर की कटिंग या पेपर को प्रस्तुत किया जाता है, तब जा करके आपका नाम चेंज होता है। साथियों, अगर आप नेम चेंज के लिए अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हम लीड इंडिया न्यूज़पेपर के अंदर आपके इस ऐड को प्रकाशित कर सकते हैं और प्रकाशित करके आप हमसे अखबार की कॉपी ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल हो तो आप संपर्क करें, हम आपको पूरी सहायता करेंगे।